हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेलकम टू फिनोस्टैटो यूट्यूब चैनल हाउ इज द जोस गाइस कैसा रहा आज का दिन मार्केट में जैसे कि हम लोगों ने कल कॉल दिया था कल के वीडियो में मैंने कहा था कि विप्रो उसका सारे टारगेट्स हिट करेंगे एंड जैसे कि मैंने कहा था आईटी सेक्टर आज स्ट्रेंथ में रहेगा बिकॉज से, सेक्टर रोटेशन इसमें चल रहा है मार्केट में एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा विप्रो में हम लोग के टारगेट्स अचीव हुए मैंने टेलीग्राम पे उसका अपडेट भी दिया था तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए फिनो फिनोस्टार्स स्टॉक ट्रेडर नाम से टेलीग्राम चैनल है मैं आपके लिए ऐसे ही डेली ऐसे बेहतरीन इंटरपिक्स मैं लेके आता हूँ एंड बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आपको ये पिक्स मिलती है तो आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए स्टार्ट करते हैं ऐसे तीन इंटरडे स्टॉक्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो आप कल ट्रेड कर सकते हैं कल फ्राइडे का सेशन है आप कैसे ट्रेड आपको करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट भी हम लोग बताएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल के साथ तो जैसे कि मैंने कल कॉल भी दिया था कि आईसीआई से बैंक भी एक बहुत अच्छा स्विंग हाई की तरफ बढ़ रहा है जैसे कि मैंने बताया ठीक उसने टारगेट हिट किया अपना एंड हम लोगों के सारे टारगेट अचीव हो गए तो अभी हम लोग बात करेंगे ऐसे तीन इंटरडे स्टॉक्स के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूँ एनएमडीसी के जो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं आपको इसी चैनल में लाइव रिजल्ट्स के अपडेट मिल जाते हैं तो एनएमडीसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे वीडियो में बने रहिए अंत तक आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा तो अभी का बात करते हैं पहला ऐसा इंटर स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है एन जो आप कल ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे अगर देखे आप एक शार्प रिकवरी यहाँ से हुआ एंड बहुत ही हाई स्पाइक इसमें आया एंड विथ द वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स आए इसके एंड एनएमडीसी ने अपना मेजर ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर चला गया तो कल ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एनएमडीसी कल सर्किट में बना रहेगा बिकॉज इसका जो स्ट्रेंथ है एंड इसके जो रिजल्ट्स आएगा इस वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए तीन हज़ार करोड़ का अनुमान था स्ट्रीट्स का उसके मुकाबले में इसका तीन हजार एक सौ नब्बे करोड़ का आया आया है इसमें मुनाफा आया है एंड मोर ओवर द अर्निंग्स हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम वन नाइन थ्री एट करोड्स टू सिक्स थाउजेंड फाइव वन जीरो छः हजार पाँच सौ दस करोड़ का इसमें uh, मुनाफा आया है एंड इसमें कहीं ना कहीं सॉरी आया आया है एंड मुनाफा इसका तीन हजार एक सौ नब्बे करोड़ का आया है तो आपको एनएमडीसी में कल इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो एन एम डी सी के लिए भी होल्ड कर सकते हो मुझे लगता है कहीं कल ये गैप अब ओपनिंग होगा और उसके बाद एक रनवे मूव देखा जाएगा रनवे इसके ऊपर मतलब अगर ये गैप अब ओपनिंग होता है उसको ऊपर भी स्टॉक निकल जाता है पांच परसेंट उसको रन अवे गैप बोलते हैं जो भरने के लिए इसका बहुत टाइम लगता है तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड भी रहना चाहते हो आप एन में आप इन्वेस्टेड रह सकते हो तो एन एम डी सी विल बी माई फर्स्ट पिक्स फॉर टुमारो इंटर डे अब इसमें इंटर डे ट्रेडिंग कीजिए कल बहुत ही अच्छा मूवमेंट में रहने वाला है बिकॉज बहुत ही अच्छा बेहतरीन इसके रिजल्ट आए आयरन और के प्राइस है वो भी घट के आएंगे तो इसका भी बेनिफिट इसको मिलेगा तो एन एम डी सी में आप बन के रहिए इसका तगड़ा रिजल्ट आया है क्वार्टर वन का जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है एंड कल ये बहुत अच्छा खासा मूवमेंट में रहेगा जैसे कि आज भी इसने दिखाया मूवमेंट इसका जब भी रिजल्ट आया इसका स्पाइक दिखेगा इस कितना ह्यूज वॉल्यूम के साइड इसने ब्रेकआउट दिया तो अभी वन में इसका आज बंद है आपको एनएम डी बाई करना है एट द लेवल्स ऑफ वन सेवनटी फोर वन सेवनटी फाइव नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाना है आज का डे लो इसको आपको स्टॉप लॉस वन सेवनटी का अराउंड लगाना है एंड वन सेवनटी फाइव में इसको बाइंग कीजिए ऊपर के जो टारगेट्स बन गए हैं वो काफी अच्छे टारगेट्स हो जाएंगे 180 का पहला टारगेट सेकंड टारगेट विल बी 191. 191 के टारगेट्स के लिए आपको एनएमडीसी में प्ले करना है कल इसमें बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा मिल जाएगा तो आइएगा इस बात करते सेकेंड इंटरड स्टॉक जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अपडेट भी कर दिया था कि एच सी एल टेक को ट्रैक कीजिए देखिए एच सी एल टेक कितना शानदार एक आज रेवेन्यू आपको लाइव मार्केट में मैंने आपको करा के दिया बहुत जनों ने ट्रेड किया था मेरे को पर्सनल मैसेज भी आया शानदार प्रॉफिट उन लोगों ने बुक किया तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए वहां पर आपको लाइव मार्केट अपडेट मिलता रहता है तो कल का भी मेरा पिक रहेगा एस टेक बिकॉज इसका जो मूव है ये कल भी कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज कल आ, आईडी फिर से प्ले में रह सकता है जैसे कि आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक निफ्टी ने हाई बनाया आज लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने सोलह के बनाया कहीं ना कहीं एसेल टेक एंड अदर आईटी कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा इंफोसिस ये सारे कंपनीज आज निफ्टी को सहारा दिया निफ्टी रीच लाइफ टाइम हाई द लाइफ टाइम हाई सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव तो ये सोलह हज़ार छ तीन सौ पचहत्तर का आज लाइफ टाइम हाई लग गया निफ्टी में एंड यहां से और भी ऊपर जा सकते जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि निफ्टी 16500 के लिए तैयार हो रहा है तो आप लोगों को भी उस हिसाब से अपने पोजीशंस लॉन्ग करने चाहिए अच्छे स्टॉक्स पे बने रहिए आपका पैसा जरूर बन जाएगा फोर पोजिशन जैसे मैं पोजिशन पिक्स देता हूँ उन लोगों को फॉलो कीजिए पोजिशन पिक्स को आपका पैसा हंड्रेड बनेगा तो आइएगा इस बात करते हैं एसएलटेक टेक के बारे में कल आप कैसे एसएलटेक टेक में ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे आपको एसएलटेक टेक में कल बाइंग करनी आज के डे हाई के ऊपर ग्यारह एक का आपका बाइंग रहेगा हजार नब्बे थाउजेंड नाइन्टी का आपका स्टॉप लॉस ग्यारह सौ एक का आपका बाइंग ग्यारह रुपये का आपका जो है इसमें स्टॉप लॉस देना है आपको ऊपर के फर्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है वो ग्यारह इक्कीस का बन के आ रहा है ग्यारह सौ इक्कीस के ऊपर ये निकल जाता है जो तो ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर चलता है तो ग्यारह चालीस तक कल एसेल डिक जा सकता है जैसे कि आज भी इसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया मैंने सुबह को ही करीब मैंने नौ तीस नौ चालीस पे मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि ट्रैक एस सी एल टेक अगर आप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो तो आप ज्वाइन कर जाइए उस डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है आप ज्वाइन करके भी चेक कर सकते हो तो मैंने नौ पैंतालीस पे ही मैंने अपडेट कर दिया था एस सी एल टेक को बाई करने जबकि वो टाइम था सॉरी वो रेट था आपका हजार सत्तर का रेट चल रहा था अभी एंड वहां से देखिए ये मतलब लगभग लाइव मार्केट में थर्टी रुपीज का प्रॉफिट आपको ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे एंड माई थर्ड पिक विल बी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मैक्स फाइनेंस मैक्स ग्रुप्स के शेयर में बहुत ही अच्छा तेजी है इसमें तो कल मैक्स फाइनेंशियल कहीं ना कहीं आज, आज एक अच्छा मूवमेंट दिखाया फिर एक डाउनफॉल आया इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई तो कल मैक्स फाइनेंशियल में आपको प्ले करना है फॉर अ बिगर मूव कल एक बहुत ही शार्प मूव आ सकता है इसमें भी मेरा जो टारगेट बैठेगा वो 1120 का रहेगा आपका एंट्री पॉइंट इसमें रहेगा थाउजेंड एट्टी हजार अस्सी में एंट्री कीजिए हजार सत्तर का आप स्टॉप लॉस लगाइए ऊपर में जो टारगेट बनेगा वो है ग्यारह का टारगेट इसमें बन के आ रहा है फुल एंड फाइनल टारगेट एंड माइ फर्स्ट टारगेट विल बी ग्यारह सौ सात दैट इज टूडेज डे हाई उसका फर्स्ट टारगेट ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन बनेगा कल का इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो 1121 देखिए यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉप लॉस टारगेट मैं अपने मन से नहीं देता हूँ प्रॉपर एनालिसिस करके टेक्निकल चार्ट्स देख के जैसे कि आप देख सकते हैं ये गोल्डन पेविड यहाँ पे खुला हुआ है नीचे व्यू आप लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड नीचे स्टॉक स्टिक आर एसाई मैं यूज करता हूँ इसके अलावा भी मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मैं यहाँ पर टेक्निकल वीडियोज भी बनाता हूँ तो आपको अपडेट मिल जाएगा ऑन बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो कोई भी वीडियो मेरा आए तो आपको नो, नोटिफिकेशन उसका मिल जाए तो ये था गाइस तीन इंटरडे स्टॉक्स कल के लिए बिकॉज मार्केट अभी आप ट्रेंड में है बुलिस ट्रेंड में है तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं ट्रेंड के साथ चलना है ट्रेंड के अगेंस्ट में चलोगे तो आप ठूक जाओगे मार्केट में फिर लॉस हो जाएगा फिर आप मार्केट को गाली दोगे तो उससे अच्छा है ट्रेंड के साथ चलिए एंड स्टे विद द ट्रेंड अर्न रेवेन्यू एंड प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप बुक कीजिए प्रॉफिट एंड निकल जाइए तो ये था गाइस तीन इंटरड स्टॉक्स मैंने आपको एनएमडीसी के रिजल्ट के बारे में बता दिया पहले ही एंड अभी हम लोग बात करेंगे ऐसे दो तो पोजिशनल स्टॉक्स इसके फंडामेंटल काफी अच्छे हैं एंड इसमें कंपनी में जबरदस्त काम का चल रहा है इसमें फंडामेंटल्स के हिसाब से आपको स्टॉक को लेना चाहिए फॉर द टाइम पीरियड ऑफ टू टू थ्री मंथ्स दो से तीन महीने के लिए आप इन स्टॉक्स को बाई कीजिए आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएगी पहला स्टोर स्टॉक रहेगा वो है इंटरग्लोब एविएशन जो कि इंडिगो है तो इंडिगो में आपको बाई करना है एट द लेवल्स ऑफ सिक्सटी हंड्रेड फिफ्टी थोड़ा नीचे लीजिए इसको सोलह सौ पचास के लेवल्स तक इसको लीजिए एक सोलह सौ रुपया का आप स्टॉक स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं एसएल ऊपर का जो आप टारगेट निकल गया है मेरा पहला टारगेट रहेगा इसमें अठारह सौ का इवेंचुअल टारगेट है दो हजार तो 2000, 2000 का तो फॉर द टारगेट ऑफ टू थाउजेंड जो टू थाउजेंड का टारगेट बुक करना चाहते हैं वो लोग छह महीने के लिए इस पे इन्वेस्टेड रहे आपको टारगेट अपना अचीव होते दिख जाएगा तो ये था इस फर्स्ट स्टॉक एंड मेरा सेकेंड जो पिक रहेगा वह है इकॉन का इरकॉन इंटरनेशनल एक बहुत ही अच्छी फंडामेंटल कंपनी है इसका रेलवे से इसका कनेक्शन है एंड बहुत ही शानदार इसका फंडामेंटल्स है चार्ट में भी इसका रिसेंटली वन इस टू थ्री में इसका शेयर स्प्लिट हुआ था उसके बाद ये लगातार तेजी में बना हुआ है तो कहीं ना कहीं ये फिर से सिक्सटी के लेवल्स आपको दिखा सकता है आपको इरकॉन में बाइंग करनी है फोर्टी टू के लेवल्स से स्टॉप लॉस आपको लगाना है थर्टी सिक्स रुपीज़ का छोटा स्टॉप है लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल रहता है तो आपको देख के इसमें प्ले करना है इसका अगर मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे क्लियर कट एक आपको पैटर्न दिख जाएगा जिसका ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहा है अभी इरकॉन में आपको लग रहा होगा कि ये बियरिश यहां से मूव चल रहा है पर यहां पे अल्टीमेटली इसका जो सपोर्ट है इसने सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया एंड उसके ऊपर ये अभी जा रहा है तो कहीं कही ना कहीं ये इसका टर्निंग पॉइंट रहेगा यहाँ से स्टॉक यू टर्न लेने का संभावना ज्यादा लगता है तो मैंने आपको ये पिक दिया है प्रॉपर एनालाइज करके आप नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए थर्टी सिक्स का जो कि इसका बहुत ही एक अहम सपोर्ट है जो जिसको ब्रेक नहीं करना चाहिए थर्टी सिक्स का स्टॉप लॉस लगा के आप इरकॉन में बाइंग कर सकते हो एट द लेवल्स ऑफ फोर्टी टू फोर्टी थ्री रुपया में इसको लीजिए ऊपर के फर्स्ट टारगेट बनेगा पचास का सेकंड टारगेट सेकेंड थर्ड टारगेट विल बी 61। 60, 61 के टारगेट के लिए आपको इरकॉन इंटरनेशनल में पोजिशनल बने रहना है तीन से छह महीने के लिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा तो ये था गाइस दो इंटरडे स्टॉक्स सॉरी तीन इंटरडे स्टॉक्स एंड दो पोजिशनल स्टॉक्स जो मैंने आपको बेहतरीन लेवल से बना के दिया है यहाँ पे लेवल्स आप सुबह जब ट्रेड करेंगे मॉर्निंग को आप वीडियो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ पे आपको सारे लेवल्स फिर से मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए मैं वहाँ पे लाइव अपडेट लाइव मार्केट अपडेट मैं वहाँ पर करते रहता हूँ कि क्या खरीदना है क्या बेचना है तो आपको सारे अपडेट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे एंड वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो ये था गाइस आज के लिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में